हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम आज इन मैथमेटिकल इंडक्शन समझेंगे और उसका क्वेश्चन करेंगे। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, और लेकिन इसको यदि आप अच्छे से इसको पैटर्न यदि समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें समझने के लिए चलिए मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है वो हम फॉलो करेंगे। तो पी एन बी ए स्टेटमेंट बताया है ना, यानी कि इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर एन। तो एक स्टेटमेंट होता है, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट मतलब होता है इट कैन बी राइट और रॉन्ग, है ना। तो हम स्टेटमेंट ले लेते हैं, लेकिन हम उसको प्रूव करेंगे राइट है ना। तो पी एन इज़ द स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर एन, यानी कि कोई एक्सप्रेशन रहेगा सो वेयर नेचुरल नंबर एन इज़ इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये है, एंड उससे क्या होगा, तो वो स्टेटमेंट में हम जब एन का वैल्यू वन पुट करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो भी स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पी वन इज़ ट्रू, इसको प्रूव कर लेंगे कि एन वन वन के लिए ट्रू है। फिर हम एक एज्यूम करेंगे कि कोई भी एक जो वैल्यू एम है, नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू एन, पी एम इज़ ट्रू ले लेंगे, ठीक है। तो यानी कि एक एज्यूम कर लेंगे कि पी एम इज़ ट्रू। फिर इसको एज्यूम करते हुए हम पी एम प्लस वन इज़ ट्रू हम निकाल लेंगे, यानी कि उसका जो अगला जो नेचुरल नंबर है एम प्लस वन वो हम ट्रू प्रूव कर देंगे। तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट जो है दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे क्यों होता है, क्योंकि पी वन तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। यदि एम को यदि हम वन प्रूव कर लेते हैं, वन ले लेते हैं, तो इसका मतलब वन तो प्रूव हो चुका है, तो एम प्लस वन यानी कि वन प्लस वन टू भी प्रूव हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर जब ट्रू टू प्रूव हो जाएगा, फॉर टू एम इज इक्वल टू टू प्रूव हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब टू प्लस वन थ्री के लिए भी प्रूव हो जाएगा, तो थ्री प्रूव हो गया तो फोर भी प्रूव हो जाएगा। तो इसलिए एक के बाद एक आता है, एक प्रूव करने से अगला उसको स्टेप आ जाता है, इसलिए इसको इंडक्शन बोलते हैं, है ना। तो इसलिए हम कोई भी एक नेचुरल नंबर एम के लिए हम ट्रू एज्यूम करके पी एम प्लस वन यदि ट्रू प्रूव कर देंगे, तो क्योंकि हम ऑलरेडी वन के लिए प्रूव कर चुके हैं तो वन टू थ्री फोर ये इट विल बी ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये आपका मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल है, तो इसको फॉलो करना है। तो स्टेप्स क्या है? तो पहला स्टेप है, आपको ये एक्सप्रेशन दिया है, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर, है ना। तो इसको प्रूव करना है कि दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पी एन यहाँ लिख लिया हमने, अभी एन इज इक्वल टू वन प्रूफ करना है आपको, ये ट्रू है कि नहीं ये पहले टेस्ट कर लेना है। तो वन जब पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, तो इसमें आप लास्ट एक्सप्रेशन में ये जनरल एक्सप्रेशन है इसमें पुट कर सकते हैं, नहीं तो पहला टर्म ही ये आ गया। तो अब बेस्ट रहेगा आप जो जनरल एक्सप्रेशन है उसमें पुट कर दीजिए, वन बाई वन इंटू वन प्लस वन, तो इसका मतलब वन बाई वन इंटू टू, सो वन बाई टू हो गया। और जो राइट हैंड साइड में क्या है एक्सप्रेशन देखिए, ये एन बाई एन प्लस वन, इसमें एन के वैल्यू वन पुट कर दीजिए तो वन बाई टू आ रहा है। तो देखिए ये दो वैल्यू इक्वल हो गए, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर एन इज इक्वल टू वन, सो पी एन इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। तो वन के लिए ये ट्रू है, स्टार्टिंग हो गया तो ट्रू हो गया। अभी हम एज्यूम कर लेंगे कि पी एम इज़ लेट पी एम बी ट्रू फॉर एम बिलोंग्स टू एन। तो कोई भी एक नेचुरल नंबर लेंगे तो वो ट्रू हम मान लेंगे। तो अब ट्रू मान लेंगे सो दैट मीन्स वन बाई ये एक्सप्रेशन है, तो ये जो एन है, एन वाला जो दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एन, उसको आप चेंज कर दीजिए। एम देखिए एन के बदले में एम, तो लास्ट टर्म हो जाएगा एम प्लस वन, तो ये इक्वल हो गया, एंड दिस साइड इट शुड बी एम बाई एम प्लस वन। ये सिर्फ आपको लिखना है और कुछ नहीं करना। तो ये हम एज्यूम करेंगे ये ट्रू है। अभी हमको प्रूव करना क्या है, पी एम प्लस वन इज़ ट्रू। तो अभी सिर्फ हमको पी एम प्लस वन यानी कि जो एक्स्ट्रा एक टर्म आएगा उसको साथ वो भी ट्रू है हमको प्रूफ करना। तो फिर वही एक्सप्रेशन लिखे, तो ये है एम तक और एम प्लस वन तक लिखना है, तो अगला टर्म भी लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये जो एन है ये जनरल टर्म है, इस एन के बदले में आपको एम प्लस वन पुट करना है। तो एम प्लस वन, वन अपन एम प्लस वन ब्रैकेट एन के बदले में एम प्लस वन पुट करना, फिर वन प्लस वन, तो ये आ गया इज इक्वल टू
एन के बदले में एम प्लस वन बाई एम प्लस वन प्लस वन। तो ये आपको अभी प्रूव करना है। इफ़ यू प्रूव दिस टेकिंग पी एन इज ट्रू, पी एम इज ट्रू, देन होल एक्सप्रेशन दिस वन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, हम बोल सकते हैं। तब इसके लिए क्या करना है, तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये जो इतने जो टर्म्स हैं, है ना, ये यहाँ से लेकर ये जो nth टर्म है या mth टर्म है, तो इसका वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में है, m बाई एम प्लस वन लिख सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ ट्रू, ये दिस इज दिस प्लस दिस प्लस दिस अप टू दिस टर्म इज m बाई एम प्लस वन, ये ट्रू है। देन यू कैन रिप्लेस दिस फर्स्ट पोर्शन बाय दिस m बाई एम प्लस वन, ये वाला एक्सप्रेशन से ये आ गया। फिर जो m प्लस वन टर्म था, ये नेक्स्ट जो एक टर्म है, तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये सिंपली यहाँ पर मैंने कॉपी किया, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व कीजिए, तो LCM लेना है, LCM लेके आप सॉल्व करेंगे तो m m प्लस टू प्लस वन बाई एम प्लस वन एम प्लस टू, फिर m स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन बाई एम प्लस वन एम प्लस टू आ गया। फिर इसको यहाँ पर आप देखिए इधर, क्योंकि ये मिडिल टर्म सॉरी ये पर जो है बाइनोमियल्स है, फैक्टराइज्ड फॉर्म में है ना, फैक्टर्स फॉर्म में है, तो इसलिए इसको भी फैक्टर कीजिए, क्योंकि यहाँ भी कैसा एक्सप्रेशन लाना है, दिस टाइप एम प्लस वन बाई एम प्लस टू लाना है, तो इसलिए इसको फैक्टराइज कर दीजिए, वो आइडिया आपको आ जाएगा। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया, तो एम एम प्लस वन वन एम प्लस वन, तो ये आ गया, ये कैंसिल कीजिए, तो m प्लस वन बाई एम प्लस वन प्लस वन आ गया, तो m प्लस टू आ गया। अभी इसको इस फॉर्म में लाना है, तो m प्लस वन बाई एम प्लस वन प्लस वन, तो दिस इज व्हाट वी हैव एग्जैक्टली गॉट RHS ऑफ दिस p m प्लस वन। तो ये इज इक्वल टू, ये हमने प्रूव कर दिया टेकिंग p m इज ट्रू, इसका एक्सप्रेशन पुट करके। सो दैट मीन्स p n इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, then this expression is proved that 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 this is equal to this, तो ये proof हो गया। तो समझ में आ गया, तो पहले n is equal to 1 verify कर लेना दोनों साइड, फिर उसके बाद पी एम को true ले लेना है ये expression, फिर इसको हम true मान लेंगे कि ये ऐसा ही होता है, ये होता ही है ना, फिर पी एम प्लस वन हम लिखे, फिर उसको पी एम वाला यूज़ करके उसको सॉल्व करेंगे। तो यही है स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स। तो आप और भी क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, तो उनको उस वीडियो को भी देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।